सो अभी एक्चुअली जस्ट मैं लिंक्डइन पोस्ट एक देख रहा था, है ना। अभी कुछ से पहले पूछ रहे थे ना सर आईआईटी जैम में नहीं हुआ तो क्या होगा, तो मैं अभी जस्ट देख रहा था कि ये एक जो लड़का है इसका नाम है नीरज जोशी, है ना। इसने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी स्टैटिस्टिक्स में किया है, स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट से। और अभी रिसेंटली इसने इसी 12 फेब को आईआईटी दिल्ली में एज असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किया है, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में, है ना। ये स्टैटिस्टिक्स का फैकल्टी है। अब तुम ये सोचो जैसे इसने सिंपल बीएससी किया, वो भी कुमाऊं यूनिवर्सिटी से, एमएससी भी शायद कुमाऊं यूनिवर्सिटी से है, उत्तराखंड से है, वहां पे पीएचडी दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया स्टैटिस्टिक्स में। इनके गाइड थे अजीत चतुर्वेदी सर, अगर कोई जानते होंगे, उनका अभी कोविड में डेथ हो गया था, तो उनके को गाइड थे आशीष कुमार शुक्ला। ये आई थिंक रामानुजन कॉलेज में ही है, और ये आशीष कुमार शुक्ला सर वही है, अगर तुमने वो शॉर्ट्स मेरे देखे होंगे, फोटोज देखे होंगे, तो जो मुझे बुके दे रहे थे वही हैं। तो वो इनके को गाइड थे, और उनका स्टूडेंट आईआईटी दिल्ली में एज ए फैकल्टी ज्वाइन किया है। तो सिंपल सोचो, जैसे बच्चे ना इतना हाइप बना रहे होते हैं कि आईआईटी में प्रोफेसर बनने के लिए पोस्ट डॉक विदेश से करना पड़ता है, पीएचडी विदेश से करना पड़ता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल है जस्ट, है ना। आज ही मैं देख रहा था लिंक्डइन पे, फिर मैं थोड़ा गूगल किया उसके बारे में, तो 18 से 22 में पीएचडी किया था, 22 से 23 में कानपुर में शायद पोस्ट डॉक था, अभी 23 से 24 में किसी आईआईएम में प्रोफेसर था, और उसके बाद अभी आईआईटी दिल्ली ज्वाइन किया है। तो जरूरी थोड़ी है कि आईआईटी से पढ़ के आईआईटी में प्रोफेसर बन सकते। मैंने पहले भी कुछ एग्जांपल्स लास्ट टाइम दिया था, जैसे आईआईटी बॉम्बे के जो एचओडी हैं उनका एग्जांपल दिया था मैंने, यू अनंतवर्धन सर का, दूसरा सुधीर सर का जो आईएसआई चेन्नई में है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, है ना। तो अगर आईआईटी जैम नहीं हुआ तो लाइफ खत्म नहीं हुआ है। इवन बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो आईआईटी दिल्ली से एमएससी पीएचडी करके किसी नॉर्मल जगह पे असिस्टेंट प्रोफेसर है, मतलब बुरा नहीं है। बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि तुम्हारे एम्बिशन अच्छे हैं तो एक दो फेलियर कुछ नहीं बिगाड़ सकती, है ना। ये चीजें हैं, तुम लगातार कोशिश करोगे तो कोई बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी करके स्टैटिस्टिक्स में आईआईटी दिल्ली में स्टैटिस्टिक्स का प्रोफेसर बन सकता है ना। तुम गूगल कर सकते हो, नीरज जोशी, जस्ट सर्च करो गूगल पे, नीरज जोशी स्टैटिस्टिक्स जस्ट सर्च करना, तुम्हें मिल जाएगा। तो आईआईटी दिल्ली में भी असिस्टेंट प्रोफेसर है ना। अभी सारी चीजें डाटा ऑनलाइन है, तो कोई अगर कुछ बोल रहा है, चाहे मैं बोल रहा हूँ, कोई बोल रहा है, तुम जस्ट वेरीफाई कर सकते हो एक क्लिक पे, गूगल करो सारी डिटेल निकल आएंगी, है ना। ये चीजें हैं, तो तुम नीरज जोशी सर्च करके देखो गूगल पे, आईआईटी दिल्ली डाल सकते हो, तो आईआईटी दिल्ली में मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर है। और अजीत चतुर्वेदी सर जो थे उनका रिसर्च एरिया भी रिलायबिलिटी है, जो मेरा भी रिसर्च एरिया है रिलायबिलिटी है, तो उसी फील्ड में वो काम करते थे। इस तरह से है, तो जैम में कुछ लोगों का बहुत अच्छा रिजल्ट आया, कुछ लोगों का नहीं भी आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तुम अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी बीएचयू इन सब में ज्वाइन करके आगे मेहनत करते रहोगे तो बहुत अच्छी जगह पहुंच सकते हो, उन लोगों से भी बेहतर जगह जो आईआईटी में जा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए होपफुल नहीं होना है, अच्छे से मेहनत करो, बस तुम्हारे अंदर जो करेज है, जो हार्डवर्क करने की एबिलिटी है, एम्बिशंस है, वो डिसाइड करेगा तुम कहाँ पहुंचोगे, यूनिवर्सिटीज डिसाइड नहीं करेगी, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम लोग कोर्स कंटिन्यू करते हैं।